क्या हुआ भैया, आपने मुझे यहाँ क्यों रोका है? ये नए टिफिन सर्विस तू नहीं शुरू करी क्या? हाँ। बंद कर दे इसे। क्यों? इस पूरे एरिया में जितनी भी तुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, यहाँ मेरी टिफिन सर्विस चलती है। आज के बाद ना अपने टिफिन लेकर दिख मत जाइए, ठीक है? चल निकल ले। हाँ भाई, गेट खुल जाए। ओए, तू फिर से आ गई यहाँ? तुझे मना किया था ना कि इस एरिया में टिफिन सर्विस नहीं चलानी। भैया देखिए, बहुत मुश्किल से मैंने खुद का एक छोटा सा काम शुरू किया है, अब मैं इसे बंद नहीं कर सकती, माफ करना। ठीक है, तेरी मर्जी। अब जो भी मेरे मन में आएगा ना, मैं वो करूँ। सर यही है। इन्हें टिफिन तुम ही देती हो? हाँ साहब, पर क्यों? तुम्हारे टिफिन का खाना खाकर कई लोग बीमार हो गए हैं, और इनके घर वाले भी। आज से टिफिन का काम बंद कर दो। पर साहब, मैंने तो कभी खराब खाना नहीं दिया। मैडम से शायद समझने में कोई गलती हो गई है। और साहब, यही काम करके तो मेरा घर चलता है, अगर मैं ये भी नहीं करूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे कुछ नहीं पता, आज से टिफिन का काम बंद कर दो, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, समझे? चलिए मैडम। पर साहब, साहब मेरी बात तो सुनो। दीदी। हाँ बोलो। दीदी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ। आपको याद है मैं आपको एक दिन रास्ते में मिला था? दीदी, आपकी बस्ती में आग लग गई है। क्या? हाँ दीदी, आप जल्दी जाओ वरना घर जल जाएगा आपका। लेकिन मुझे टिफिन देने जाना है। आप ये टिफिन मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। तू पक्का दे देगा ना? हाँ दीदी, मैं पक्का दे दूंगा। देख, ये 215, 325 और 401 में देना है। ठीक है, मैं बस्ती देके आऊँ। ठीक है दीदी। माफ कर देना, मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रशांत भैया के कहने पर किया है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि आपकी वजह से उनके ग्राहक टूट रहे हैं, इसलिए कैसे भी ना कैसे करके आपको रोकना पड़ेगा। पर अब मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है दीदी, और अपनी हरकत पर भी शर्म आ रही है, इसीलिए आपके पास सच कबूल करने आ गया। और दीदी, अगर आप चाहो तो मैं ये सब पुलिस को बताने के लिए भी तैयार हूँ। सच में? सच में दीदी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सूजी के 1500, उदय जी के। परेशान तो नहीं हो? जी मैं ही हूँ साहब, क्या हुआ? तुम्हें इनके खाने में मिलावट करने के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सबूत है हमारे पास। इसने थाने में आकर सब कुछ कबूल किया है। तो ये सब तेरे हुए? थाने में आगे दिखाना, और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम भी इसके साथ मिले हुए थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ये सब हो पाया। दीदी आप शुक्रिया मत बोलो, जब गलती मैंने की थी तो सुधारूंगा भी मैं ही। तुम परेशान मत हो, आज से तुम अपना टिफिन का काम शुरू कर सकती हो, ये लोग तुम्हें अब तंग नहीं करेंगे। शुक्रिया साहब। चलो। Hey!